साथियों नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, मोटरवेल इंस्पेक्टर। रूट सी अपडेट मोटर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेटेड अपने नए टॉपिक में लेकर आया हूँ, विंटेज मोटर व्हीकल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो पुरानी और एंटीक गाड़ियां होती है उनको अपन विंटेज गाड़ियां या विंटेज मोटर व्हीकल कहते हैं। तो इन विंटेज व्हीकल का यानी कि जो पुरानी गाड़ियां है, एंटीक गाड़ियां है, उनका रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहेगा? अगर वो पहले रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या अब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा? अगर रजिस्ट्रेशन है उनका खत्म हो गया तो वापस कैसे रिन्यू होगा? और कैसे अपन विंटेज गाड़ियों को अपने पास रख सकते हैं कानूनन रूप से, लीगली, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत इन गाड़ियों को अपन कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर मेरे चैनल पर आप प्रथम बार आए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जिससे कि इनसे संबंधित कोई भी जो वीडियो अपडेट होगा तुरंत आपको मिल सके। तो अब स्टार्ट करते हैं विंटेज मोटर व्हीकल के बारे में। उससे पहले की वीडियो आगे बढ़ाए, हाल ही में मेरे द्वारा परिवहन संदर्शिका का सेकेंड एडिशन लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यालय आदेश, परिपत्र, सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन, एडवाइजरी आदि का 30 जून 2023 तक का संकलन, जो विभाग के महत्वपूर्ण सेक्शंस होते हैं यानी कि लाइसेंस है, परमिट है, रजिस्ट्रेशन है, भारत स्टेज है, फाइनेंस है, एनफोर्समेंट है, इन सेक्शन के जो ऑर्डर्स है उनको डेट के डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर इनको संकलित किया गया है। और यह जो बुक है, यह बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन अवेलेबल है और इनके जो मैंने लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखे हैं, जहां पर डायरेक्ट ओपन करके मंगा सकते हैं। यह बुक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, इंस्पेक्टर्स है, कार्मिक है या एडवोकेट्स है या ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए कोई व्यक्ति है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। जो पहले फर्स्ट एडिशन था वो भी बहुत उपयोगी साबित हुआ था, ठीक है ना। तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं विंटेज मोटर व्हीकल के बारे में। चलो प्रोविजन, यानी कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट और रूल के अंदर विंटेज मोटर व्हीकल के बारे में क्या प्रोविजन दे रखा है। तो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के अंदर 16 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल में एक नया चैप्टर, चैप्टर 3A जोड़कर विंटेज मोटर व्हीकल को रेगुलेट करने के लिए एक नया चैप्टर एड किया है, जिसे चैप्टर 3A कहा गया है। इस चैप्टर 3A के अंदर जो रूल बनाए गए हैं, उन रूल के अंदर जो विंटेज मोटर व्हीकल है उनको रेगुलेट कैसे करना है, यानी कि उनको कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, उनका कैसे उनकी वैलिडिटी होगी, किस प्रकार से अपन उनको अपने पास रख सकते हैं, उनके बारे में बताया गया है। और जो चैप्टर का नाम है वो स्पेशल प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ विंटेज मोटर व्हीकल दिया गया है। अब डेफिनेशन, इस चैप्टर 3A के अंदर विंटेज मोटर व्हीकल को कैसे डिफाइन किया गया, यानी विंटेज मोटर व्हीकल अपन किस व्हीकल को कहेंगे ऐसे लीगली, ठीक है ना। तो इसके अंदर है व्हीकल ऑफ L1 कैटेगरी, व्हीकल ऑफ L2 कैटेगरी एंड व्हीकल ऑफ M1 कैटेगरी। अगर ऐसा कोई व्हीकल है, ठीक है ना, यानी कि L1 व्हीकल कौन सा होता है, L1 व्हीकल ऐसा व्हीकल, ऐसा टू व्हीलर विदाउट गियर मोटरसाइकिल जो कि 50cc से बिलो है, उसे L1 कैटेगरी का व्हीकल कहते हैं। L2 व्हीकल यानी कि ऐसा मोटरसाइकिल जो कि 50cc से एबो का व्हीकल है, उसे L2 व्हीकल कहा गया है। और M1 व्हीकल यानी कि ऐसा व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 9 in 1 तक होती है, ऐसा पैसेंजर व्हीकल M1 व्हीकल कहा गया है। यानी कि इनमें से कोई भी एक वाहन है, यह जो विंटेज के अंदर इनमें से कोई भी एक वाहन हो सकता है। सेकंड, मोर देन 50 ईयर ओल्ड फ्रॉम फर्स्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड और इंपोर्टेड व्हीकल, यानी कि जैसे तीन कैटेगरी में से कोई व्हीकल हो सकता है। सेकंड कंडीशन है कि ऐसा व्हीकल कम से कम 50 साल पुराना उसका प्रथम रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ होना चाहिए, तथा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है उस समय तो कम से कम 50 साल पहले वो व्हीकल इंपोर्ट किया हुआ होना चाहिए या मैन्युफैक्चर होना चाहिए। थर्ड है मेंटेन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, और तीसरी जो इंपोर्टेंट कंडीशन है कि वो व्हीकल अपने ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि जैसा कि कंपनी ने बनाया है, जैसा कि इंपोर्ट किया है, वैसे के वैसे होना चाहिए, यानी कि उसके बॉडी सेल के अंदर, उसके इंजन के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया हुआ होना चाहिए, मूल रूप से वाहन वैसा को वैसा होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ऐसा व्हीकल विंटेज मोटर व्हीकल कहलाता
है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एंड री रजिस्ट्रेशन। अब विंटेज मोटर व्हीकल के केस में तीन स्थिति हो सकती है। पहला, ऐसा विंटेज मोटर व्हीकल जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है व्हीकल, ठीक है ना, और वह व्हीकल समय समय पर अपना इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो रिन्यू करा रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में अगर आपके पास ऐसा व्हीकल है तो आप उसको कंटिन्यूस उसी स्थिति में रख सकते हैं, लेकिन वो विंटेज के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसका। सेकंड, ऐसा व्हीकल जो कि आपने रजिस्ट्रेशन तो करा रखा है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन वो वर्षों पहले खत्म हो गया है, वापस उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया है, तो उस केस में आपको उस व्हीकल का री रजिस्ट्रेशन विंटेज मोटर व्हीकल की कैटेगरी के अंदर कराना पड़ेगा री रजिस्ट्रेशन। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आपका व्हीकल इंपोर्ट किया गया उस समय, ठीक ना, या उस समय आपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ठीक ना, तो ऐसे व्हीकल को अब आप रजिस्ट्रेशन एज ए न्यू रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो विंटेज केस में तीन स्थिति हो सकती है। तो पहला है ऑलरेडी रजिस्टर्ड व्हीकल, यू मे कीप इन रेगुलर मोटर व्हीकल कैटेगरी इफ आरसी इज वैलिड, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया फर्स्ट कंडीशन में कि आपका रेगुलर उसकी सीरीज के नंबर आ रखे हैं उसमें, ठीक ना, और आपने रेगुलर उसका आरसी रिन्यू करा रहे हैं उसकी, तो आप उसमें रख सकते हैं, उसको कंटिन्यूस रख सकते हैं। सेकंड है ऑलरेडी रजिस्टर्ड व्हीकल, यू मे री रजिस्टर्ड एज विंटेज मोटर व्हीकल एंड सेल कंटिन्यू टू रिटेन द ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि सेकंड कंडीशन जैसे मैंने बताई कि आपने रिन्यू वगैरह नहीं कराई आरसी, तो उसको आप विंटेज मोटर व्हीकल की कैटेगरी में रजिस्टर्ड करा सकते हैं, तथा उसके जो रजिस्ट्रेशन मार्क है आप चाहें तो उसके जो पुराने रजिस्ट्रेशन मार्क है उनको आप रिटेन कर सकते हैं, यानी कि उसको कंटिन्यू रख सकते हैं रजिस्ट्रेशन मार्क को, ठीक ना, और रजिस्ट्रेशन नया हो जाएगा लेकिन नंबर वही रहेंगे आपके, या फिर एक विंटेज की अलग से सीरीज बनाई गई है या उस सीरीज में उस व्हीकल के आप नंबर ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। थर्ड है इफ नॉट रजिस्टर्ड मे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि उस समय आपने वो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अब आप उस व्हीकल का विंटेज मोटर व्हीकल के कैटेगरी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई, यानी कि अगर मेरे कोई व्हीकल है उसका मुझे रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन कराना है तो कैसे कराना होगा। इसके लिए सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म 20 की, ठीक है ना, फॉर्म 20 में एक एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको करना पड़ेगा। फिर इंश्योरेंस कॉपी, तो पहले उस व्हीकल का आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा और इंश्योरेंस कॉपी आपको साथ में लगानी पड़ेगी। फिर बिल ऑफ एंट्री इन द केस ऑफ इंपोर्टेड विंटेज मोटर व्हीकल, यानी कि अगर वो व्हीकल आपने इंपोर्ट किया है, क्योंकि पहले अपने आप जो आज से 50-60-70-80 साल पहले अपने आप मोटर व्हीकल की कंपनियां नहीं थी, बाहर से इंपोर्ट ही होते थे व्हीकल, ठीक है, ब्रिटिश टाइम वगैरह में, तो अगर ऐसा कोई व्हीकल है तो उसके इंपोर्ट का जो भी आपके बिल वगैरह कोई भी आपके पास एविडेंस है कि मैंने ये इंपोर्ट किया उस समय, वो एविडेंस आपके पास होना चाहिए, बिल ऑफ एंट्री यानी भारत में यह कब आया उसके बारे में, ठीक है ना। थर्ड है ओल्ड आरसी इन केस ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड व्हीकल इन इंडिया, यानी कि ऑलरेडी व्हीकल को रजिस्टर्ड है तो उसकी वो पुरानी आरसी आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो खत्म हो कोई दिक्कत नहीं है। फिर है अप्रोप्रिएट फी, यानी कि उसके बाद जो फीस है जो रूल के अंदर निर्धारित कर रखी है वो फीस, अगर ये डॉक्यूमेंट आप लगा देंगे तो आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद जैसे मैंने कहा कि अगर आपका व्हीकल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपके पास कोई पुरानी नंबर उस पर ऑलरेडी है तो उस नंबर को आप कंटिन्यूस रख सकते हैं, रिटेन करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है या उस नंबर को आप चेंज करना चाहते हैं तो विंटेज के अंदर नई रजिस्ट्रेशन की सीरीज दी है आरजे वीए, यानी कि जो फर्स्ट टू डिजिट है ये फर्स्ट टू डिजिट स्टेट को डिनोट करेंगे, यानी कि राजस्थान है तो आरजे हो गया, महाराष्ट्र है तो एमएच हो गया, कर्नाटक है तो के हो गया, फिर दो डिजिट है वो डिनोट करेंगे विंटेज व्हीकल को यानी वीए, उसके बाद दो ये कोई भी अल्फाबेट्स आएंगे ए बी सी डी वगैरह, ठीक है ना, उसके बाद 001 से लेके 999 तक कोई भी न्यूमेरिकल नंबर हो सकते हैं, तो इस प्रकार से आपके ये नए विंटेज के नंबर जारी हो जाएंगे। उसके बाद वैलिडिटी एंड रेस्ट्रिक्शन, यानी कि अब रजिस्ट्रेशन हो गया या रजिस्ट्रेशन हो गया इसकी वैधता कितनी होगी, तो वैधता होगी फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, ठीक ना, एंड सेल बी रिन्यूएबल फॉर सब्सिक्वेंट 5 ईयर देर आफ्टर, यानी कि जो फर्स्ट टाइम आप जब रजिस्टर कराएंगे एज ए विंटेज मोटर व्हीकल तो आपको 10 साल के लिए उसकी वैधता दी जाएगी, उसके बाद
प्रत्येक 5 साल के लिए आगे आप इसको रिन्यू करा सकते हैं। फिर है सेल नॉट बी ड्रिवन ऑन द रोड फॉर रेगुलर पर्पज एंड सेल नॉट बी यूज फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पज व्हाटसोवर। यानी कि ये जो विंटेज व्हीकल है, इस विंटेज व्हीकल का आप रेगुलरली एज ए कॉमर्शियल यूज नहीं ले सकते हो, है ना। क्या आप मतलब कि जैसे बहुत बार देखा हो कि विंटेज व्हीकल किराए भाड़े पे देने चालू कर दिए, तो इस प्रकार से इस व्हीकल का आप उपयोग नहीं कर सकते हो। यह कल एक प्रकार से आपके क्या कह सकते हैं, आपकी एक ये एसेट्स है ना, एंटीक एसेट्स है आपकी, उसको आप संरक्षित रख सकते हैं और जब भी कोई छोटी मोटी आवश्यकता हो उस समय आप सड़क पर इसको ले जा सकते हैं, लेकिन रेगुलरली कोई भी इसका कॉमर्शियल उपयोग में नहीं ले सकते हैं। तो साथियों, ये थी विंटेज मोटरसाइकिल के बारे में मैंने जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।